यूनिवर्सिटी खोली तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन उनका एक कहना था कि आप लोगों ने जो हवाई बातें हुई, ये इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया कि झूठ बोले की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी चलाती है, और लगातार वो इस तरह की बात कहते हैं। क्या कहना है आपका रोहित जी? देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी जो बातें कह रहे हैं, मैं इनकी बात को खारिज करता हूं, क्योंकि ये विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष में है। प्रधानमंत्री जी की बातों को अगर खारिज नहीं करेंगे तो जनता में अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे? उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी को चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर लेना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप की बुलडोजर चुनाव चिन्ह कर लेना चाहिए आप लोगों को। देखिए ऐसा है कि बुलडोजर रात को दिखता होगा, सपने में आता होगा, क्योंकि इनके जितने चहेते इनके गुंडे कार्यकर्ता रहे, बुलडोजर की कहीं ना कहीं आहट और चोट से वो सहमे हुए हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अखिलेश जी 12 से लेकर 17 तक की सरकार में थी, राजा महेंद्र प्रताप को सम्मान दे सकते थे, राज्य विश्वविद्यालय वो भी बना सकते थे। हम 4 महीना पहले बना रहे हैं, सरकार बनने के 4 महीना बाद बना देते, 4 साल पहले बना देते, किसने मना किया था? उनको इस प्रदेश की जनता ने 5 साल पूरा काम करने का अवसर दिया है। और रही बात किसानों पे, बात करते हैं किसान सम्मान निधि जैसी धनराशि आज हमारे केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी हर किसान को देते हैं। मैं रोकूंगा, अगर 10 समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, कितनी बड़ी धनराशि है, आपका क्या कहना है? संजय गुप्ता जी ने कहा कि आप लोगों को बुलडोजर से डर लगता है, खौफ खाते हैं, इसलिए बार बार बुलडोजर का जिक्र आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता करते हैं। क्या कहना है आपका जी? बुलडोजर के सपने में आता है, इनके चहेतों के हाथ चला है। रोहित जी, इफ यू कैन अलाउ मी टू स्पीक नाउ, प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू। रोहित जी देखिए, जो आज का कार्यक्रम था, ठीक है, यूनिवर्सिटी राजा साहब के नाम से घोषणा हुई है, ये उचित बात है, लेकिन आप ये देखिए कि ये शुद्ध रूप से सरकारी कार्यक्रम था जिसमें अरबों रुपए के का खर्चा हुआ है, तो ये बटन दबाने का काम तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली से भी बैठे बैठे कर सकते थे। अब मैंने उनका प्रोग्राम देखा तो आधे कार्यक्रम तक, जब वो भाषण दे रहे थे तो आधे कार्यक्रम तक वो एक प्रधानमंत्री के रूप में भाषण दे रहे थे, और चूंकि सरकारी कार्यक्रम था इसीलिए तो चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनको स्कॉट कर रही थी, और माननीय राज्यपाल महोदया भी वहां उपस्थित थी। अब लेकिन आधे कार्यक्रम के बाद आप देखिए जिस प्रकार से मोदी जी शायद भूल गए, प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि वो प्रधानमंत्री हैं, और वो शुद्ध रूप से एक बीजेपी के नेता के जैसे बोलने लगे। तो मैं भी जो मोदी जी के जो कहा, मैं मोदी जी के अनुसार, मतलब मैं मोदी जी ने जो कहा उस पर मैं बात करना चाहती हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा उस पर नहीं बात करना चाहती, मैं एक बीजेपी नेता ने क्या कहा उस पर मैं बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो है उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, ये शुद्ध रूप से झूठी बात है। ये झूठी बात इसलिए कि अभी साल भर पहले जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आप याद करें जब हाथरस की दलित महिला का बीजेपी के लोगों ने रेप किया था, हत्या हुई थी, और रात के अंधेरे में जो है उसके माता पिता को बताए बिना उसका हिंदू रीति रिवाज के अगेंस्ट जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि मोदी जी जो है सुप्रीम कोर्ट को भी नकार रहे, और शुद्ध रूप से चूंकि सरकारी कार्यक्रम था इसीलिए तो जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे वो एक सेकंड में जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे वो लगे रहे ढूंढो के लोगों को लाने में। हालांकि जो टारगेट था, जैसा मीडिया में आता रहा, 10% भी लोग उस टारगेट के अनुसार नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि महिलाएं उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिलाएं, नौजवान, किसान, मजदूर, जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं उससे बहुत ज्यादा आक्रोशित है। ठीक है, आपने अपनी बात कही जी। नाहिद लारी खान, मैं आपको रोकूंगा, मैं प्रदीप जी के पास जल्दी से आऊंगा। प्रदीप जी, तो कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश